सर, हमारी मुख्य मांगे ये है कि 3 अगस्त 2021 तक जिन टीचर्स सेकंड ग्रेड ने अन्य विषयों में डिग्रियां कर रखी है उनको 3 साल की डीपीसी के अंदर शामिल किया जाए, और उसके अलावा वरिष्ठता विलोपन अंतरमंडल ट्रांसफर होने पर जो सीनियरिटी लैप्स होती है सेकंड ग्रेड टीचर की, तो स्टेट लेवल का एक कैडर बनाकर तो सीनियरिटी लैप्स को भी सरकार जल्दी से जल्दी बंद करके वरिष्ठ अध्यापकों को राहत प्रदान करे। सर, ये इतने सारे बोर्ड लगा के यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं, इन बोर्डों पर जो ये अलग अलग मांगे हैं, जितनी सारी मांगे हैं, ये क्या क्या मांगे मांग रहे हैं यहाँ पे? हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। इसमें से फर्स्ट मांग 3 अगस्त 2021 तक जो जिन्होंने अन्य सब्जेक्टों के अंदर डीपीसी कर रखी है उनको डीपीसी वर्ष के अंदर शामिल किया जाए। अंतरमंडल ट्रांसफर होने पर जो सीनियर टी लैप्स होती है सरकार उसको जल्दी से जल्दी बंद करे। उसके अलावा जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है उसके अंदर हिंदी लेक्चरार और इंग्लिश लेक्चरार के सभी स्कूलों के अंदर पर सज्जित करे। ये मुख्य मांगे हमारी सरकार से है, और जल्द से जल्द हमें राहत प्रदान करे गवर्नमेंट। आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन है वह राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से वरिष्ठ अध्यापकों का भारी आक्रोश है, और पिछले 3 साल से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की डीपीसी नहीं कर रही है सरकार, और जिसका जो मुख्य मेन कारण है वो है कि राजस्थान गजट नोटिफिकेशन 3/8/2021 को जारी किया गया, जिसमें यूजी और पीजी स्नातक और अधिस्नातक में सेम विषय होने वालों को भी व्याख्याता बनाया जाए। लेकिन उस नियम से पहले जितने भी जो पात्र थे उन सबको, वरिष्ठ अध्यापकों को भी अपात्र कर दिया गया, और निदेशक महोदय के इस गैर जो तर्क संगत नहीं होने की वजह से वरिष्ठ अध्यापकों में भारी आक्रोश है, और जिसको लेकर हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि गजट नोटिफिकेशन से जो है उस डेट से पहले वालों को सबको शामिल करते हुए 3 साल की बकाया डीपीसी करें। 13,000 सीनियर सेकेंडरी जो स्कूलें हैं उसमें किसी भी विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी का व्याख्याता पद नहीं है, वहाँ भी वरिष्ठ अध्यापक अध्यापन करवा रहे हैं पिछले 10 साल से, तो 26,000 हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य के व्याख्याता पद सृजित करें। और 2011 से RPSC के द्वारा पूरे राज्य स्तरीय मेरिट बना के जब किसी एक जोन का दूसरे जोन में जब जाता है और वापस ट्रांसफर कराकर अपने गृह जोन में आता है तो उसकी 10 साल पुरानी वरिष्ठता जो है वो शून्य कर दी जाती है। तीसरी मांग ये है, और चौथी मांग है कि पिछले 2 साल में जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्मरत हुए हैं सरकार ने वाई वाई लूटने के लिए विद्यालय कर्मरत कर दिए, लेकिन उसमें एक भी व्याख्याता का पद नहीं दिया गया है। स्कूलों में तालाबंदी शुरू हो रही है, और आगामी सत्र से वरिष्ठ अध्यापक इन विद्यालयों में अध्यापन का कार्य नहीं करेंगे। और आज का जो धरना है, हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए यहाँ पर सारे आए हैं कि हमें भी कुछ समय दिया जाए और हमारी मांगों की तरफ भी जो है सरकार ध्यान करें, नहीं तो जो है यह आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपकी यही मांगे हैं सारी? जी, हमारी ये 4 मांगे हैं, और ये चारों की चारों मांगे जायज मांगे हैं, और सरकार को इनको मानना चाहिए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, विद्यार्थी हित के लिए, और जो हमारे वरिष्ठ अध्यापकों के अंदर जो काम नहीं है, यानी हमें न तो प्रमोशन दिया जा रहा है और लगातार पिछले 10 साल से बेगारी जो है बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पूरे राजस्थान के आए हुए हैं टीचर्स? पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक ब्लॉक से, हर जगह से वरिष्ठ अध्यापक आए हैं, और अभी जो है और रास्ते में चल रहे हैं, और जो आसपास के छात्र हैं वो विद्यालय में अपना जो कार्य है वो परीक्षा। सर, मुझे ये बताएं कि पूरे राजस्थान के कितने टीचर होंगे लगभग, आइडिया? यहाँ पे अभी 3-4 हज़ार हैं, और भी अभी संख्या बढ़ेगी, लगभग 8-10 हज़ार जो है। मौके पे देखते हुए टीचर्स काफ़ी कम लग रहे हैं मुझे। अभी और आ रहे हैं, कहीं इधर उधर भी हैं, अभी टेंट की व्यवस्था थोड़ी कम पड़ रही है, तो जैसे टेंट की हमें व्यवस्था हो जाएगी तो और भी जो इधर उधर बैठे हैं कहीं तो वो भी आ जाएंगे। हाँ, मैं मोहनलाल गोदारा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ। तो आपकी ऐसे क्या मांगे हैं जिसके कारण आपको आज यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है? देखिए प्रिय मित्र, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल से जो लंबित मांग है जिसमें प्रमुख 4 मांगे हैं। पहली मांग है जो वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पदोन्नति जो 3 अगस्त 2021 में 1970 के नियम को प्रतिस्थापित करके नए नियम लागू किए गए थे कि जो टीचर जिसने यूजी और पीजी में समान विषय लेकर पीजी किया है, यूजी में था वो पीजी में किया है, वो ही डीपीसी के लिए पात्र होगा, अन्यथा वो उसे बाहर कर दिया जाएगा। वास्तव में निदेशक महोदय ने 3/8/2021 से पहले वालों को बाहर कर दिया गया, जिससे हमारे शिक्षक संघ में भारी आक्रोश है। अतः उस विसंगति को दूर करके तुरंत प्रभाव से 3 साल की डीपीसी करवाई जाए, पहली हमारी सबसे ज्वलंत मांग ये है। जैसे डॉक्टरों ने भी आंदोलन किया है, वकीलों ने भी आंदोलन किया, आज आप भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो संख्या और आपकी संख्या में आपको क्या लगता है कि सरकार तक मैसेज पहुंच पाएगा? ज़रूर हमारा मैसेज पहुंचेगा। हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार हम संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने बीकानेर में भी धरना दिया था, शिक्षा संकुल में भी धरना दिया था, मुख्यमंत्री स्तर से लेकर निदेशक महोदय तक, शिक्षा मंत्री तक हमने ज्ञापन सौंपे हैं। हमें आश्वासन आज तक मिलते आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन वास्तविकता अभी तक ये है कि ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई सकारात्मक रूप से हुई नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें सरकार के विपरीत जाने के लिए विवश होना पड़ सकता है।
तो क्या ये जो संख्या है इसी को पूरी माने या और भी आ संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं वो ट्रेन में चल रहे हैं, वो पधार रहे हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पहुँचेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि संख्या को लेकर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम सब एक हैं, यूनाइटेड हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर आज आप जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं और अगर आज आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो इस आंदोलन को आप कब तक कंटिन्यू करेंगे? अगर हमारी आज हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, अगर हमें कोई उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता है, हो सकता है हमें आमरण अनशन पे भी जाना पड़ सकता है और हम आंदोलन को आगे भी खींच सकते हैं। आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों का छुट्टियां चलेंगी तो फिर जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे तो बच्चों को भी जैसे अगर आप लोग आंदोलन कंटिन्यू करते रहेंगे तो उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक साथ नहीं आएंगे, हम क्रमिक अनशन करेंगे, हम एक साथ नहीं आएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो और हमारा अनशन भी चलता रहे। लेकिन मैं सोचता हूँ, हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी निश्चित रूप से हमारी मांगों पर विचार करेंगे और जो आप पूछ रहे हैं वो वक्त आएगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों ने क्या आप लोग सारे जो वरिष्ठ अध्यापक वो क्या CM साहब से मिले इस मांग को लेकर या सिर्फ शिक्षा मंत्री से ही मिले? शिक्षा मंत्री स्तर तक हमारी उनसे मुलाकात हुई है, CM साहब से हमने बहुत टाइम मांगा लेकिन हमारी डायरेक्ट अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। हमें आश्वस्त किया गया कि आप निश्चित रूप से CM साहब के साथ वार्ता कराएंगे लेकिन अभी तक वो अवसर हमें मिला नहीं। तो वो किसने आश्वासन दिया कि CM साहब से वार्ता कराएंगे आपकी? ये हमारी जो लंबित मांगे हैं इस विषय को लेकर हमने अपना मेमोरेंडम सौंपा, ज्ञापन सौंपा, मांग पत्र सौंपा, उस आधार पर हमें बताया गया कि आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा, समय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई हुई नहीं है और नहीं हम मिले। 2015 की स्टाफिंग पैटर्न को शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 2015 में जो स्टाफिंग पैटर्न के जो नियम बने थे वो नियम ये थे कि नामांकन बढ़ोतरी के आधार पर हर 2 वर्ष के बाद इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक एक बार भी समीक्षा नहीं हुई है जबकि 17 लाख नामांकन बढ़ चुके हैं। इसके अनुसार पदों का निर्धारण होना चाहिए था, पद बढ़ने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसको लेकर मतलब अगर जैसे नहीं बढ़े हैं तो वो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका? बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनको विषय अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक है, वो 11वीं 12वीं क्लास लेता है तो उसके ऊपर भी बाहर आ रहा है जबकि वो उसके लिए योग्य ही नहीं है, फिर भी वो उसके फर्स्ट ग्रेड का काम लिया जा रहा है। तो हम आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं हुआ, सरकार हमारी बात नहीं मानी, तो हम 11वीं और 12वीं क्लास का बहिष्कार करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो आपने कहा योग्य नहीं है, अगर योग्य नहीं है वो टीचर्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके फिर आगे वाले परिणाम में मतलब जो परिणाम में उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उसका। मैं सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश का हूँ, मुझे 11वीं 12वीं क्लास पढ़ाई जा रही है, जो मेरी मजबूरी है मेरे से पढ़वाई जा रही है, मैं व्याख्याता हूँ नहीं, उसके लिए पद सज्जन होने से उसी की मांग है कि हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय जो लैंग्वेज है जिसका जीवन के हर स्तर पे काम आती है उसके पद सर्जित होने चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी व्याख्याता के पदों का सर्जन करके जल्दी से जल्दी प्रमोशन और भर्ती की जाए। धन्यवाद।